सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल न्यू डायमंड क्लासेस में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने हड़प्पा सभ्यता शुरू करी थी, उसके दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज उसके दोनों पार्ट्स देखिए, फिर ही यहाँ पे आइएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 हड़प्पा सभ्यता का, और हम ये कोशिश करेंगे कि आज ही ये खत्म हो जाए, ठीक है। वो एक्सप्लेन करने में कुछ ज्यादा फ्लो में लेक्चर बड़ा हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही हड़प्पा सभ्यता हमारी खत्म हो जाए, ताकि हम आगे के जो भी टॉपिक्स है वो ले सकें, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और बात की मुझे कमेंट करके बोला था कि आप इंग्लिश में भी लिखा करें, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बता सकूं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट में एक फ्लो चार्ट देखा था, जिसमें हमने क्या कहते हैं शहरों और उनके खोजकर्ता के नाम याद किए थे फ्लो चार्ट के थ्रू। और सेकंड में हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे कि उनके धार्मिक जीवन कैसा था। तो आप प्लीज उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम देखने जा रहे हैं कि जो शहर हैं उनके जो जो मेन पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट जो बीच बीच में शायद छूट गए होंगे, तो वो मैंने लास्ट में कवर किए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोहनजोदड़ो देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो को का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है मृतकों का टीला, और इसको सिंध का बाग भी कहा जाता है, गार्डन ऑफ सिंध, ठीक है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये पाकिस्तान सिंध प्रांत लड़काना जिले, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में अभी है ये, मतलब वर्तमान में इसकी जो प्लेस है। अब मोहनजोदड़ो के नाम से तो है नहीं फेमस, मतलब अब चलता नहीं उस नाम से, तो अभी जो उसके वर्तमान जगह है वो है पाकिस्तान सिंध प्रांत लड़काना जिला, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में जो और सबसे ज्यादा पूछी जाती बातें एग्जाम में है, वो है उसका विशाल स्नानागार, ठीक है, ग्रेट बात। तो ये एक तो पूछा जाता है कि ग्रेट बात हड़प्पा सभ्यता के कौन से शहर में था, तो वो मोहनजोदड़ो में था, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो से मिलने वाला सबसे बड़ा प्रमाण था, मतलब हड़प्पा, मतलब जो मोहनजोदड़ो, इसमें मतलब सबसे बड़ा प्रमाण मिला जो अमन को उस सभ्यता के बारे में बताता है कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता मतलब मोहनजोदड़ो जैसी कोई जगह थी। तो इसके लेंथ वगैरह कभी पूछ लेता है, तो ये 11.88 मीटर लंबा है, मतलब इसकी लेंथ 11.88 मीटर है, और 2.43 मीटर गहरा, मतलब इसकी हाइट है जो वो 2.43 मीटर है, और 7.01 मीटर चौड़ा, मतलब इसकी जो ब्रेथ है वो 7.01 मीटर चौड़ा है। तो ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप कहीं भी किसी भी एग्जाम के पुराने पेपर उठा के देखिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आगे नर्तिका की एक कांस्य मूर्ति मिली थी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ डांसर मेड बाय ब्रोंज। तो नटराज स्टैच्यू, ठीक है, एक डांस करती हुई एक लेडीज की ऐसी एक मूर्ति मिली थी, वो बनी हुई थी कांस्य की, मतलब ब्रोंज की बनी हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि वो मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी, तो वो ब्रोंज की बनी हुई थी, ठीक है। और वो मूर्ति कहाँ मिली थी? तो वो मोहनजोदड़ो में मिली थी, ठीक है। और अन्य प्रमाण है इसके कि पुरोहित भवन मिला है यहाँ मोहनजोदड़ो से, सभा भवन मिला है, कॉन्फ्रेंस हॉल, और सूती कपड़ा भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, और पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, और घोड़े के दांत मिले हैं। घोड़े के दांत मिले, इससे क्या पता चलता है कि इस सभ्यता में घोड़ा, घोड़े को जाना करते थे, मतलब जानवरों में घोड़ा हुआ करता था, ठीक है। तो अब देखते हैं लोथल शहर के बारे में। तो वर्तमान में ये है गुजरात के अहमदाबाद के सरागवाला में, ठीक है, कहाँ के? गुजरात के अहमदाबाद के सरागवाला में। अभी जो उस समय जो लोथल था, वो अभी वर्तमान जगह है उसकी, ठीक है। सबसे पहले धान बाजरा की खेती लोथल में ही की गई थी। तो सब मैंने आपको बताया था कि सब हड़प्पा सभ्यता ने नौ फसलें उगाई थी, तो लोथल शहर था जिसमें सबसे पहले धान बाजरा की खेती की गई थी, कल्टिवेशन ऑफ पैडी मिलेट, ठीक है। फिर यहाँ से बंदरगाह मिला, ठीक है, डॉकयार्ड यहीं से मिला था हमें। इससे हमें क्या पता चला कि लोग व्यापार करने के लिए यात्रा करते थे। जो डॉकयार्ड हमें मिले हैं, जो बंदरगाह हमें मिले हैं, उससे हमें यही पता लगता है कि ये लोग व्यापार के लिए यात्रा किया करते थे। पीपल ट्रेवल टू डिस्टेंस लैंड फॉर बिजनेस, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताए थे। वो क्यों नहीं बताए थे? क्योंकि मैं चाहती थी कि जब इन शहरों के बारे में आए, तो मैं इसके अंदर, पर्टिकुलरली इसके अंदर बताऊं, ताकि आपको वो याद रहे,
ठीक है। तो एक जो पॉइंट है वो हड़प्पा सभ्यता के घरों के बारे में, कि वहाँ के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। जैसे अपना जो है वो अपन फ्रंट में अपना गेट रहता है, लेकिन उस सभ्यता के लोग बैक साइड में अपना गेट रखा करते थे, ठीक है। दरवाजे और खिड़कियां दोनों सड़क की ओर ना रखते हुए पिछवाड़े की ओर रखते थे। लेकिन सिर्फ केवल लोथल नगर ऐसा था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। तो ये मैं आपको लोथल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप लोथल पढ़े तो पूरे इसके पॉइंट्स पढ़े तो कभी एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको याद रहे कि आपने ये लोथल के अंदर पढ़ा था। तो लोथल वो शहर है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अब आगे देखते हैं तो धोलावीरा, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रमाण धोलावीरा शहर से प्राप्त हुए हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रमाण मिले हैं अगर सारे शहरों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रमाण हमें धोलावीरा शहर से मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। और रोपड़ से हमें क्या सबसे ज्यादा मकान रोपड़ शहर में से मिले हैं, तो जो भी सबसे ज्यादा मकान रोपड़ शहर में बने हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, तो हमें एविडेंसेस उसके रोपड़ से ही मिले हैं। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और नहीं भी पूछे जाते तो जरूर किसी ना किसी दिन पूछ लिए जाएंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट्स हैं। तो देखते हैं उन्हें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पहला क्या है कि सभ्यता के दौरान खोजी गई पहली धातु, तो सबसे पहली मेटल कौन सी खोजी गई थी, ब्रोंज, ठीक है। सबसे पहले इनको ब्रोंज का पता चला था, ठीक है। और अन्य धातु कौन कौन सी थी, एक तो इनको तांबा पता था, शीशा, पीतल, सोना, चांदी, ठीक है। या मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, जिनको हिंदी समझ नहीं आती है वो इंग्लिश की उनके लिए इंग्लिश में भी लिखा है, तांबा कॉपर, शीशा ग्लास, पीतल ब्रास, सोना गोल्ड एंड चांदी सिल्वर, ठीक है। तो ये सारी मेटल्स उन लोगों ने खोज ली थी, लेकिन सबसे पहली जो मेटल खोजी थी वो थी ब्रोंज, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उन्होंने ब्रोंज उनको मिला था, और फिर उन्होंने तांबा पीतल इन सब के बारे में भी वो जानते थे, लेकिन उन्हें लोहे का पता नहीं था, लोहे से परिचय नहीं था उनका, ठीक है। आयरन के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, और हड़प्पा सभ्यता में लोहा मिला भी नहीं था, ठीक है। फिर ये लोग अफगानिस्तान और कर्नाटक से सोना खरीदते थे, तो ये लोग गोल्ड कहाँ से खरीद के लाते थे, अफगानिस्तान और कर्नाटक से, ठीक है। अब वो पेट एनिमल्स है तो किस किस को पालते थे, ये सांड, बैल, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, सुअर, इन सबको पाला जाते थे। याद रखिएगा घोड़ा पालतू पशु नहीं था उस समय में, घोड़ा था तो लेकिन वो पालतू पशु नहीं हुआ करता था। तो आगे के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर, निचला शहर यहाँ जहाँ पे सामान्य लोग रहा करते थे, जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। तो सिर्फ कालीबंगन ऐसा शहर था जिसका जो निचला एरिया था, मतलब जहाँ सामान्य लोग रहा करते थे, वो भी किले से घिरा हुआ था, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा कालीबंगन के उसमें कि इसका नाम कालीबंगा ही क्यों रखा गया था, तो क्यों रखा गया था, क्योंकि यहाँ से काली चूड़ियां मिली थी, ठीक है, यहाँ से काली चूड़ियां मिली तो इसीलिए इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया। फिर अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए, तो जो अग्निकुंड प्राप्त हुए जहाँ सेक्रीफाइसेस वगैरह जो भी किए जाते होंगे, तो वो हमें लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। फिर मनके बनाने के कारखाने लोथल और चरमुद्रो से मिले हैं, मनके यानी बीट्स, ठीक है, इंग्लिश में बीट्स बोलते हैं। तो बनाने के कारखाने हमें कहाँ से मिले हैं, लोथल और चरमुद्रो से मिले हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, तो जो पिगट है किसी का नाम है, उन्होंने क्या बोला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला है ना। मतलब जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है ये बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो इसके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इसने इनकी जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा विस्तार भारत में गुजरात में मिला है, तो इसका सबसे बड़ा विस्तार अपने इंडिया में कहाँ मिला है, वो है गुजरात में मिला है, ठीक है। इस सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिकोणीय था, मतलब ये सभ्यता जो पूरी सभ्यता है वो किस शेप में है, पूरे त्रिकोणीय शेप में थी। और इस सभ्यता को किस पीरियड में रखा जाता है, तो वो रखा जाता है कांस्य युग यानी कि ब्रोंज एज में रखा जाता है। तो आगे के फैक्ट्स सीखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि जो भी हम लेक्चर बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ में प्लीज इसे शेयर भी कीजिएगा।
अब देखते हैं आगे के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो क्या है कि इस सभ्यता के दौरान उपयोग में लाया गया पहला रंग, तो वो पहला रंग कौन सा था? लाल। ठीक है, इस सभ्यता में सबसे पहले उपयोग में लाया हुआ कलर लाल था। अब सभ्यता की सीमाएं बताई गई है, तो सभ्यता की सीमाएं, ठीक है, तो उत्तरी सीमा मतलब नॉर्दर्न बाउंड्री कौन सी थी इसकी? मांडना, जो जम्मू कश्मीर का मांडना एरिया था वो इसकी उत्तरी सीमा थी। ठीक है, और दक्षिणी सीमा सदर्न बाउंड्री इसकी दाइमाबाद महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का जो दाइमाबाद एरिया है वो इसकी साउदर्न बाउंड्री थी। पूर्वी सीमा ईस्टर्न बाउंड्री उसकी थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो आलमगीरपुर था उसकी वो ईस्टर्न बाउंड्री थी। और पश्चिमी सीमा वेस्टर्न बाउंड्री उसकी सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। तो सुतका गेंडोर आपको याद है ना कौन है? मैंने जो आपको पार्ट वन में बताया था कि जो बहुत स्टाइल मारता है सुतका गेंडोर, ठीक है, याद रखिएगा। और जिसने पार्ट वन नहीं देखा वो पार्ट वन देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, तो ये सब इनकी ना बाउंड्रीज थी, इनकी सीमाएं थी जो मैंने आपको बता दी है, चारों सीमाएं। साथ ही में अब ये सभ्यता खत्म कैसे हुई? तो फ्रेंड्स, इसका ज्यादा एविडेंसेस मिले ही नहीं है। बहुत लोगों ने कहा है कि बाढ़ आने से या सूखा आने से ये सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला है कि एक्चुअल में ये सभ्यता खत्म कैसे हुई थी। क्योंकि कहा जाता है कि अगर बाढ़ भी आई थी, सूखा भी पड़ा था, तो ये कुछ एरिया में पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कि पूरी सभ्यता में एक ही साथ बाढ़ आ गई, एक ही साथ सूखा पड़ गया और समाप्त हो गई। तो अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है तो कि एक्चुअल में ये सभ्यता कैसे समाप्त हुई थी, तो ये भी ये अभी तक एक क्वेश्चन मार्क ही है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो हड़प्पा सभ्यता है वो पार्ट तीन पार्ट में कंप्लीट करी है। मैंने तीनों पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, मतलब जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने सारी कवर करी है। आप हमारे तीनों पार्ट देखिए और जरूर बताएं हमें कमेंट करके कि आपको ये पार्ट कैसे लगे हैं। और साथ में हमारा फेसबुक पेज भी है, तो उसे लाइक कीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा पिछले दो लेक्चर में मैंने ये बात बोली है और इसमें भी मैं यही बोल रही हूँ कि आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि हमारे वीडियोस कैसे हो रहे हैं और आपको कैसे लग रहे हैं। तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा, अच्छे हो बुरे हो, अगर बुरे होंगे तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, अच्छे होंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।